गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स बी स्टार्ट। फिनेंस मिनिस्टर होल्ड डिस्कशन विद द आईसीआई डेलीगेशन ऑन फ्रॉडलेंट जीएसटी रिफंड एंड अदर इशूज। सीबीआईसी ने ये ट्वीट करके बताया कि फिनेंस मिनिस्टर ने जो आईसीआई के डेलीगेशन है उनसे मीटिंग किए है, उनके जो आईसीआई के जो डेलीगेशन है उनके मीटिंग किए है ऑन द अदर जीएसटी एंड टैक्स इशूज एंड जो फ्रॉडलेंट केसेस आ रहे हैं सीए के अगेंस्ट में उसके रिगार्डिंग उनके डिस्कशंस हुए। हरियाणा जीएसटी डिपार्टमेंट इशूड इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू री इंजीनियरिंग ऑफ इंटरनल प्रोसेस टू इंप्लीमेंट टैक्सपेयर फ्रेंडली मेजर अंडर द जीएसटी लॉ। हरियाणा जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं वाइड इंस्ट्रक्शन मेमो 362 जीएसटी ऑन 19 मई। ये डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन इशू किए गए हैं टू री इंजीनियरिंग द इंटरनल प्रोसेस, जो डिपार्टमेंट का इंटरनल प्रोसेस है उसको टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू किए। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू बी समन्ड ओनली व्हेन द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट कोऑपरेटिंग। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड के केस में कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के उनको तभी समन किया जा सकता है अगर जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसके प्रॉपर कोऑपरेटिव नहीं कर रहे। तो द चेन्नई बेंच ऑफ ITAT हैज इम्पोज्ड पेनाल्टी ऑफ 25,000 ऑन द सेसी फॉर डिले ऑफ 1,217 डेज इन फाइलिंग द अपील ड्यू टू COVID-19। ये चेन्नई ITAT का डिसीजन आया है। एक पेटिशनर है जिन्होंने डिले अपील फाइल किया था फॉर द असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) और उन्होंने कंडोनेशन फाइल किया था डिपार्टमेंट के पास, तो डिपार्टमेंट ने उसको डिनाई कर दिया था और जो SSC है उन्हें कंडोनेशन फाइल किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि जो कंटिन्यूसली कोविड सर्ज आ रहे थे इसकी वजह से उन्होंने बताया था अपील नहीं फाइल कर पाए वो, तो इसकी वजह से वो डिले कंडोन करे, बट डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था उनके एप्लीकेशंस। उसके बाद में ITAT चेन्नई ने उनको कंडोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट किया है बट विद द कॉस्ट उनके ऊपर 25,000 का पेनल्टी लगाया है फॉर डिले फाइलिंग ऑफ अपील, बट उनको जो अपील करना था असेसमेंट का वो अपील करना अलाउ किया उन्होंने आफ्टर पेइंग द पेनल्टी ऑफ 25,000। हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू शेयर डेटा ऑफ कमर्शियल रेंट एंड लीज डीड विद द हरियाणा एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट टू कर्व द GST evasions। अभी जो GST के evasion के केसेस आते हैं उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो जितने भी कमर्शियल रेंट एंड लीज डीड होते हैं उसके डेटा शेयर करेंगे टू हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, जिससे कि उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन रहेगी टैक्स पेयर्स के कि कितने लीज एग्रीमेंट कमर्शियल एग्रीमेंट या फिर लीज डीड बन रहे हैं, और जो भी डेटा है वो रिकॉर्ड होगा वाइड पैन और GSTN के बेसिस पे, जिसके ऊपर उन्होंने जो भी परचेजर है उन्होंने ई स्टैम्प परचेज किया है या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके जो पैन और GST नंबर है वो रिकॉर्ड होते जाएंगे गवर्नमेंट के सिस्टम में। DGFT इशूड अमेंडमेंट इन एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ शुगर टू मेंटेन द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। DGFT ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 10/15/20 डेटेड 24 मई को ये नोटिफिकेशन आया है DGFT का, जिसमें उन्होंने जो शुगर के एक्सपोर्ट है उस पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर इन द कंट्री। अभी ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो कोई भी शुगर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको फ्रॉम 1 जून 2022 टू 31 अक्टूबर 2022 ये टाइम के बीच में, या फिर कोई दूसरा एक ऑर्डर आता है उसके बीच में, अगर किसको भी शुगर का एक्सपोर्ट करना है तो उनको एक्सपोर्ट करने के पहले एक स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ शुगर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन DFPD से। उनको पहले स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये परमिशन लेने के क्या प्रोसेस रहेंगे उसके डिटेल नोटिफिकेशन बाद में अभी इशू किए जाएंगे। DGFT इशूड अमेंडमेंट इन इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ ऑक्सीटोसिन रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो ऑक्सीटोसिन मेडिसिन होता है उसके लिए DGFT ने अमेंडमेंट किए हैं इन इम्पोर्ट पॉलिसी में, अमेंडमेंट किए हैं उन्होंने, और ये अमेंडमेंट है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 9/15/20 डेटेड 23 मार्च को ये नोटिफिकेशन के थ्रू DGFT ने अमेंड किया था इम्पोर्ट पॉलिसी। नोटिफिकेशन आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड द कस्टम ड्यूटी एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल। DGFT ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 30/2022 इशूड ऑन 24 मई को, और DGFT ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है 30/2022
जिसके थ्रू उन्होंने कस्टम ड्यूटी एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल पे की इम्पोर्ट पे लगते थे ये सेस को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया है. इम्पोज द लेवी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन इम्पोर्ट ऑफ सेरेमिक टेबलवेयर एंड किचनवेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द चाइना पीआर. चाइना पीपल रिपब्लिक से चाइना से जो भी ये सेरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर आते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है फॉर 5 years वाइड नोटिफिकेशन नंबर 16/2022 और ये नोटिफिकेशन भी 24 May को आए. प्रोविजन फॉर एलोकेशन ऑफ TRQ फॉर द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल बीन एंड क्रूड सनफ्लावर ऑयल फॉर 2022-23 एंड 2023-24 CBDT ने जो TRQ एलोकेशन है TRQ एलोकेशन प्रोविजन है फॉर द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल वो उन्होंने DGFT ने इशू किया है ये एलोकेशन फॉर FY 2022-23 एंड 2023-24 वाइड नोटिफिकेशन नंबर वाइड पब्लिक नोटिस 10/15/20 डेटेड 24 May. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.